छात्रों आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ देने वाले शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जो समान अर्थ देते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम यहाँ पर इस उदाहरणों के द्वारा इस पर्यायवाची शब्दों को और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है सारा नाच रहा है, दूसरा वाक्य है मयूर नाच रहा है, और यहाँ पर मोर लिखा है। मोर तो आपको पता है, मोर शब्द को आप पहचानते हैं, मोर को पहचानते हैं, तो यहाँ पर मोर शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है सारा और उसका ही पर्यायवाची शब्द है मयूर। मोर का भी अर्थ वही, मयूर का भी अर्थ वही है और सारंग का भी अर्थ वही है। सारंग नाच रहा है, मोर मयूर नाच रहा है या फिर मोर नाच रहा है, इन तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही होता है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द है मयूर, मयूर का पर्यायवाची शब्द है सारंग। तीन शब्द अलग अलग है, यहाँ पर तीन शब्द अलग अलग है पर एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, बाग में कुसुम खिले हैं, दूसरा है वाक्य बाग में सुमन खिले हैं, और तीसरा है फूल। फूल को तो आप जानते हैं, फूल इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर इसका ही प्रयोग करते हैं, सुमन और कुसुम का प्रयोग नहीं करते हैं। पर यहाँ पर फूल के लिए कुसुम शब्द का प्रयोग किया तो भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, सुमन का प्रयोग किया तो भी अर्थ नहीं बदलता, और फूल का किया तो भी अर्थ यही रहता है। बाग में कुसुम खिले हैं, बाग में सुमन खिले हैं और बाग में फूल खिले हैं, इन तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए फूल सुमन और कुसुम ये पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इस पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है एक ही अर्थ वाले दो या दो से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए एक बार, एक ही अर्थ वाले दो या दो से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा कि तीन अलग अलग शब्द होकर भी एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और इसके और उदाहरण हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का शब्द उदाहरण दिए हैं, उनका मैं अभी वाचन करता हूँ। देखो आपके लिए पर्यायवाची शब्द है चक्षु नयन नेत्र, दूसरा है आग, आग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है अग्नि अनल पावर, तीसरा शब्द है अंधेरा अंधकार तप और तेजी, चौथा शब्द है आनंद आमोद हर्ष खुशी, पांचवा शब्द है आदमी नर मनुष्य मानव, छठा शब्द है आकाश नव गगन अंबर, सातवां शब्द है काया तन शरीर देह, आठवां शब्द है किनारा कुंड तट तीर, नवा शब्द है मित्र दोस्त सखा सहचर, दसवां शब्द है सूरज सूर्य भानु दिनकर, नवा शब्द है मित्र दोस्त सखा सहचर, दसवां शब्द है सूरज, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है सूर्य भानु दिनकर, ग्यारहवां शब्द है हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज अस्थि दंती, बारहवां शब्द है पक्षी ख विहव नभचर, तेरहवां शब्द है पृथ्वी धरती भू भूमि, चौदहवां शब्द है जंगल वन कानन विपिन, पंद्रहवां शब्द है औरत स्त्री महिला नारी। हमने देखे 15 शब्द जिनके पर्यायवाची शब्द भी हमने देखे। अब देखने वाले हैं विलोम शब्द, मतलब क्या? तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द यानी विलोम शब्द, इनकी जानकारी अब हम लेने वाले हैं। देखो पर्यायवाची शब्द में हमने देखे कि दो या दो से अधिक समान अर्थ देने वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, पर अब हम देखने वाले हैं कि दो अलग अलग शब्द, दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग अर्थ बताते हैं,
परिभाषा है किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण है, अधिक का विलोम शब्द है कम, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा, और काला का विलोम शब्द है सफेद। दोनों शब्दों में देखो अधिक, अधिक यानी बहुत, और कम यानी थोड़ा। देखो यहाँ पर तो भी दो शब्द है पर अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इनको विलोम शब्द कहा जाता है। यहाँ भी वैसे ही एक बड़ा शब्द है बड़ा और दूसरा है छोटा, काला सफेद। और इनके उदाहरण देखने वाले हैं हम, कुछ विलोम शब्द यहाँ पर दिए हैं, मैं उनका वाचन करता हूँ, आपको उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। विलोम शब्द दर्शाने का चिन्ह इस प्रकार का होता है, इस प्रकार विलोम शब्द दर्शाया जाता है। लाभ और हानि इन दोनों के बीच जो चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह विलोम शब्द दर्शाता है। देखिए पहला है लाभ, उसका विलोम शब्द है हानि। दूसरा है काय, विलोम शब्द है बी। तीसरा है छोटी बड़ी। चौथा है छाया धूप। पांचवा है इच्छा अनिच्छा। छठा है सौभाग्य दुर्भाग्य। सातवा है स्नेह घृणा। आठवां शब्द है अपना पराया। नौवां शब्द है खरीदना बेचना। दसवां है खाली भरा। ग्यारहवां शब्द है यश अयश। बारहवां शब्द है उष्ण शीतल उष्ण शीत।